ध्वंस स्टार अक्टूबर ने कमाई के लिहाज से शानदार प्रदर्शन किया है। बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड भी इस मूवी ने अच्छी कमाई की है और इससे साबित हो गया है कि वरुण की स्टारडम वाकई काबिल-ए-तारीफ है। अक्टूबर जैसी फिल्म से वरुण धवन ने अब तक 40 करोड़ की कमाई कर ली है। गौरतलब है कि ए लिस्ट एक्टर्स ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ट्राई ही नहीं करते, जब करते हैं तो औंधे मुंह गिर जाते हैं। जैसे कि सलमान खान ने ट्यूबलाइट से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन औंधे मुंह गिर गए। वहीं अक्षय कुमार ने भी पैडमैन के साथ समझौता किया और उसे कमर्शियल एंगल दिया लेकिन फिर भी मूवी 100 करोड़ तक पहुँच नहीं पाई। ये सब तब जब वरुण धवन और सुजीत सरकार की अक्टूबर जैसी फिल्म लोगों को दिल जीत रही है। 5 साल पहले करण जौहर ने बॉलीवुड को 3 शानदार टिमटिमाते सितारे दिए थे एक साथ, वो भी थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन। लेकिन वरुण इस लिस्ट में सबसे ऊपर आकर खड़े हो गए। कारण ये है कि इन 5 सालों के अंदर सलमान शाहरुख के पीछे खड़े होने वाले वरुण धवन आज उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, 5 साल के करियर में वरुण धवन का स्कोर रहा है 100%, यानी कि उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में हिट रही है। इतना ही नहीं, पहले जहाँ वरुण धवन को आने वाले वक्त का शाहरुख खान और सलमान खान कहा जाता था, अब उन्हें शाहरुख सलमान को टक्कर देने वाला स्टार कहा जाता है। 5 सालों में वरुण धवन बॉक्स ऑफिस को कुल 692 करोड़ यानी कि लगभग 700 करोड़ की कमाई दे चुके हैं। 8 फिल्मों में 700 करोड़ की कमाई के लिहाज से वरुण प्रति फिल्म करीब 80 करोड़ का एवरेज दे रहे हैं, जो कि शानदार है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको हर खबर सबसे पहले।